आज ट्रॉफी का सीन है यहाँ भाई, इतने बड़े ट्रॉफी है हमारे कैमरे में भी कवर नहीं हो रही। देखते हैं फिर ये किसके नाम होती है। तो भाई पहली दो बॉल फील्ड करने के बाद शॉट है 4 runs। अरे छोटे फ्यूचर के बाबर आजम हो ये बाबर आजम हमारे। अस्सलाम गाइस, फाइनली मैं आ चुका हूँ एक नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी हाँ, आज है संडे का दिन और सुबह का टाइम हो रहा है और हमारा प्लान है क्रिकेट खेलने का। जी हाँ, चलते हैं फिर अपने व्लॉग की तरफ। जी हाँ गाइस, जैसा कि हर संडे मैं क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ। तो टाइम हो रहा था 6 बजे का और हमारा मैच था 6:30। तो मैंने फौरन अपनी फरारी को भगाया और ग्राउंड के लिए निकल पड़ा। इस दौरान मुझे याद आया कि यार, मैं आप सब लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियोज वगैरह बनाता हूँ और आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। सुबह का माहौल एकदम तरोताजा और रिफ्रेशिंग होता है, जैसे कि आप सबको पता है। तो मैं इस चीज को बहुत इंजॉय कर रहा था। मुझे इस चीज का बहुत दुख है। आप लोगों की इस सपोर्ट और मोहब्बत की वजह से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने के लिए। तो काइंडली आप सब लोग मुझे सपोर्ट करें। ग्राउंड आ चुका हूँ और देखते हैं मेरे दोस्त किधर हैं और क्या सीन है क्रिकेट का। और आपको जरा ग्राउंड का व्यू दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक छोटे मोटे मेरे फैन है यहाँ पर। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के। नहीं मजाक करो, ये भी चलते हुए थे, उन्होंने कहा मुझे वीडियो में डाल दीजिएगा। अच्छा, तो सीन कुछ यूं है कि जरा मैं अपने दोस्तों को ढूंढ रहा हूँ और उनको ढूंढने के बाद वो मिल गए। आपको जरा ग्राउंड का व्यू दिखाता हूँ, बड़ा VIP है। वो सूरज निकला हुआ है और उसी सूरज के नीचे मेरे दोस्त खड़े हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं ये। भाई हमारे पैर आ गए। जी हाँ भाई, आज ट्रॉफी के मैच का सीन है। क्या हाल है भाई? सुनो आप कैसे हो? जबरदस्त। आप सुनाओ क्या हाल है अनस भाई? आप क्या हाल है? जबरदस्त। आप सुनाओ? बढ़िया सेहत। जबरदस्त। हाँ जी भाई, आज ट्रॉफी का सीन है। जी हाँ भाई, इतने बड़े ट्रॉफी है हमारे कैमरे में भी कवर नहीं हो रही। देखते हैं फिर ये किसके नाम होती है। जी हाँ फाइनली गाइस, ये हमें विकेट की जगह मिल चुकी है। इतना रश में ये भी ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। और ये लोकेशन ज़बरदस्त है और बाउंड्री के लिहाज से, मतलब बाउंड्री रखना बहुत ईजी हो जाता है। और दूसरी टीम का वेट है फिलहाल। आज हमारा सीरियस मैच है बहुत, और ट्रॉफी का मैच है। ट्रॉफी का मतलब जो होता है ना हमारा मैच, वो सीरियस होता है, ठीक है ना। तो आज हमने जी जहाँ से मेहनत करनी है और जीतना है। तो चलें, जैसे टीम आती है तो फिर आपको हम दिखाते हैं। यहाँ भाई जान, टॉस का टाइम हो रहा है और ये भाई ने टेप को उछाला है और ये दोबारा करना पड़ेगा। तो सीन कुछ यूँ है कि इसकी होती है दो साइड, एक उल्टी होती है एक सीधी, और देखें दूसरी दवा भी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ठीक हो गई। अब तीसरी दवा ट्राई कर रहे हैं, इस दवा क्या पता। हाँ जी, ये उल्टी साइड आ गई है। किसने चूज की थी उल्टी साइड? ये भाई टॉस जीत चुके हैं। हाँ भाई ने बैटिंग का फैसला किया, तो हमारी फील्डिंग है। हमारा मैच स्टार्ट हो चुका है और काफी लेट हुआ है मैच स्टार्ट होने में। और पहला बॉल कराने जा रहे हैं ये, और पहली बॉल पे बोल्ड देख रहे होंगे, पहली बॉल में विकेट मिल चुकी है। बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग। वो जो भाई जान है वाइट शर्ट में, ये हैं बॉलर। और चलें आपको आगे दिखाते हैं व्लॉग जैसे जैसे आगे जाते हैं। ओके गाइस, मैं फील्ड में मौजूद हूँ और इस वक्त मुझे ब्लॉक के साथ फील्डिंग करने में बहुत मुश्किल हो रही है। तो मैं जो हमारा बॉलिंग सेक्शन है ना, वो मैं स्किप कर रहा हूँ। मैं आपको फाइनल रिजल्ट्स बता दूंगा, तो फिर मैं बैटिंग में कवरेज करूँगा और हुआ तो मैं अपनी बॉलिंग की भी कवरेज करूँगा, आपको दिखाऊँगा। ओके गाइस बाय।
जी हाँ गाइस, मैं इस वक्त बॉलिंग करा के आ चुका हूँ। मुझे कोई 10-1 रन लगे हैं, कोई ख़ास ओवर नहीं है। चलो इंशाल्लाह मैं अगला ओवर अच्छा करूँगा और आपको दिखाता हूँ। पहले इनिंग हो चुकी है और स्कोर है 53 और हमारे बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। और ये बॉलिंग करने के बाद इनके सीन्स कुछ यूँ हैं। अब टेप और ये बैटिंग साइड बैटिंग के लिए। और ये हमारे आज़म खान भाई हैं जो पिछले वीडियो में भी बड़े वायरल हो गए थे। अच्छा चलें फिर आपको आप दिखाते हैं अपना बैटिंग सेक्शन, तो थोड़ा वेट कीजिएगा। ओपनर हमारे आ चुके हैं और ये पहला बॉल होने को है। ओ शॉर्ट बॉल, वेल बॉल। दूसरा बॉल होने को है और देखते हैं क्या होता है। ओए बॉलर का एक यूनिक सा एक्शन है और बॉल बिल्कुल नीचे बैठ गई। इसकी वजह ये है कि बारिश की वजह से पिच में बहुत नमी है, इस वजह से बॉल अनइवन आ रहा है, कभी उठ जाता है और कभी बिल्कुल ही बैठ जाता है। तो बैट्समैन को बिल्कुल मुहतात रहना पड़ेगा और चेक करके खेलना पड़ेगा। जी तीसरा बॉल होने को है और ये वाइड। जी हाँ, तीसरा बॉल दोबारा से डाला जा रहा है और ये डेड। मैंने कहा था कि ना ये जो विकेट है ना बहुत ही अनइवन है, तो इसको बहुत चेक करके खेलना पड़ेगा और देखते हैं आगे बैट्समैन किस तरह से इसको चेक करते हैं। जी हाँ, ओवर का तीसरा बॉल दोबारा से डाला जा रहा है और ये शॉट 4 रन्स, ज़बरदस्त बहुत आला शॉट। जी हाँ, टारगेट कोई इतना बड़ा नहीं है, 53 रन्स का है, मगर जिस तरह की पिच है ना उस लिहाज से ये टारगेट टफ होने वाला है। और ये बॉलर भी बैठ गई है बॉल। जी हाँ, पहला ओवर कंप्लीट हो गया है और आई थिंक रन्स आए हैं सिर्फ 7, तो 53 रन्स के लिए एवरेज चाहिए होगी 9 रिंग। इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। जी हाँ भाई जान, ये ताह भाई आउट हो चुके हैं, कैच आउट हो गया और जो क्लिप है वो मिस हो गया था, इस वजह से दिखा नहीं पाए। और ये अपना वापस पवेलियन जाते हुए इनके तासुरात से जाहिर हो रहा है कि कितने ही वो अफसुर्द हैं। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अब आ रहे हैं अनस भाई बैटिंग के लिए। हाँ जी, देखते हैं अनस भाई आज क्या करते हैं। फिलहाल बहुत बड़ी विकेट गिर चुकी है हमारी तरफ से और टारगेट भी चेस करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, चैलेंज मैच है बड़ा। जी हाँ, अनस भाई बैटिंग पे हैं और पहली बॉल डॉट हो गई। जी हाँ, दूसरा बॉल होने को है और शॉट ज़बरदस्त कलंदरी छक्का अनस भाई की तरफ से। जी हाँ, पिछले हफ्ते भी इन्होंने बहुत आला बैटिंग की थी और इस संडे भी इनकी फॉर्म बरकरार है बड़ी, और इनके छक्के आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, आपको और भी छक्के दिखा। रिदम बहुत टूट रहा क्योंकि जो रनअप है वो गील है, क्योंकि जब मैं बॉलिंग करा रहा था तो फॉर्म बहुत स्लिप हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि बॉलर्स की ये जो नाकिस बॉलिंग है इसलिए हो रही है। और ये शॉट मेरे से 2 रन्स बनेंगे और निशान भाई बैटिंग पे हैं और ये एज निकले 2 रन्स के लिए। जी हाँ, नस भाई फिर से बैटिंग पे हैं और देखना होगा कि ये शॉट ज़बरदस्त एक और कलंदरी छक्का बहुत दूर बॉल गई है। जी हाँ, ओवर का इख्तिताम हो चुका है दूसरे ओवर का, तो रन्स हैं पर 25, बहुत अलग रिकवरी की है बैट्समैन ने। अनस भाई बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और देखना होगा कि जिशान भाई का बल्ला कब खुलता है, ये भी बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है तो इनके भी छक्कों का वेट है बहुत। जिशान भाई की बैट से अभी तक कोई छक्का नहीं आया, देखने आएगा कि क्या करते हैं। ओ शॉट ज़बरदस्त शॉट VIP 6 रन्स। जी अनस भाई ने लास्ट बॉल पर छक्का मारा था और ये शॉट अनस भाई अपना जिशान भाई की तरह से एक कलंदरी छक्का। जी हाँ, 2 छक्का लगातार खाने के बाद और ये आउट, और ये बहुत बड़ा नुकसान, बड़ी विकेट गिर गई है हमारे जिशान भाई की। तनवीर भाई आ चुके हैं बैटिंग पे और देखना ये कि आज तनवीर भाई क्या करते हैं। लास्ट टाइम इन्होंने एक बॉल खेला था VIP शॉट
लगाया था और फिर आउट हो गए थे। आज देखने के क्या करते हैं, ये फिर हो जाएगा। मेरे से 17 रन चाहिए हमें जीतने के लिए 18 बॉल पे, और बहुत इजी इक्वेशन है। तो जी हाँ, तनवीर भाई बैटिंग पे हैं और ये पहली बॉल बचत हो गई, डेड बॉल थी क्योंकि विकेट बहुत डैम्प है पड़ा। तो ध्यान से खेलना होगा और टारगेट भी चेस करना है। जी हाँ, 3 ओवर से इख्तिताम हो चुका है और 38 रन हैं, बहुत अच्छा रन रेट जा रहा है और इसी तरह जाएंगे तो हमारा इंशाल्लाह 5 ओवर्स के अंदर टारगेट चेस हो जाएगा। मेरे से 17 रन चाहिए हमें जीतने के लिए 18 बॉल्स पे, और बहुत इजी इक्वेशन है तो इसको बरकरार रखना होगा। जी हाँ, तनवीर भाई फिर बैटिंग, ओ शॉट लेग साइड का छक्का, ज़बरदस्त शॉट। हाँ तनवीर भाई फुल फॉर्म में। जी हाँ, तनवीर भाई बैटिंग में मौजूद हैं, बॉलर को फेस कर रहे हैं और बहुत अच्छा ही होगा बॉलर की तरफ से, और सिंगल होगा सिर्फ। जी अनस भाई मौजूद हैं फिनिश करने के लिए, और ये शॉट भी है भी ज़बरदस्त। जी अनस भाई ने छक्का मार के मैच को फिनिश कर दिया है, और साथ ही ये दूसरे मैच का टॉस हो रहा है, तो अब मिलते हैं आपको दूसरे मैच में। अरे छोटे फ्यूचर के बाबर आजम, ओए ये बाबर आजम हमारे मुंह तोड़ देंगे। ये देखें, ये हमारे छोटे बाबर आजम है। ओ देखें कितने प्यारे प्यारे शॉट्स खेल रहे हैं, ये देखें। ओए हो, क्या स्ट्रेट ड्राइव चेक करें इसकी, मगर ये स्ट्रेट ड्राइव करते करते ना हमारे मुंह तोड़ देगा ये तो। ओए बैल भाई जान, ये दूसरा बॉल होने को है और ये डॉट बॉल। जी हाँ, ये तनवीर भाई बैटिंग कर रहे, ओ शॉट जबरदस्त, एक और जबरदस्त शॉट छक्का। जी हाँ तनवीर भाई ये बहुत अच्छी फॉर्म है, और ये फ्लिक करते हुए 2 रन, एच निकले बैट से और ये 2 रन। जी हाँ, ये अब तनवीर भाई बैटिंग कर रहे हैं और ये वाइड बॉल। जी हाँ, ओवर का इख्तिताम होते हुए, जी हाँ ये आप सबको याद होगा कि हमारे आजम खान हैं और इनको आपने बहुत पसंद किया था, इनकी बैटिंग को और इनकी शॉट्स को। तो फिर से हम लाए हैं आप सब की पुरजोश फरमाइश पे, आजम खान आए बैटिंग पे। चलें आपको दिखाते हैं आजम खान की बैटिंग, और जी हाँ इनकी जिसामत देखकर आप सबको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इनके छक्के कितने लंबे जाने वाले हैं। जी हाँ, ये पहला बॉल खेलते हुए ओ मिस हिट हो गई, मगर सिंगल ज़रूर आएगा। जी हाँ, ये सिंगल होगा इस वक्त। जी आजम खान बैटिंग पर मौजूद हैं, इनकी शॉट का वेट है और ये फिर मिस। आज आजम खान का जलवा नहीं दिखने को मिला, और इंतज़ार है कि इनके कब लंबे लंबे छक्के आएंगे। जी हाँ, ये आजम खान बैटिंग पर मौजूद और ये फिर डॉट बॉल। आजम खान आज बैटिंग में फेल होते हुए जा रहे हैं वापस पवेलियन की तरफ। तुमसे ना हो पाएगा, उठी बॉल और बीट। सर भाई आज फॉर्म में नहीं है। दूसरी बॉल और लास्ट बॉल, छक्का आना चाहिए और 4 रन। चले कोई नहीं, बान भाई और असद भाई के दरमियान सिंगल विकेट मैच। असद भाई पहली 2 बॉलें बीट करने के बाद शॉट है 4 रन। जी तनवीर भाई फिर बैटिंग, ओ शॉट लेग साइड का छक्का, ज़बरदस्त शॉट। हाँ तनवीर भाई फुल फॉर्म में। जी हाँ गाइस, हमारे दूसरे मैच की जो बैटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, और माशाल्लाह हमारे बैट्समैन ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की, आपने देखी भी होगी। और टारगेट है 91 का 6 ओवर में, और इंशाल्लाह ये भी मैच हम जीतेंगे और ट्रॉफी अपने नाम करेंगे। चलें फिर आप बॉलिंग की तरफ चलते हैं। जी हाँ भाई जान, मैं इस वक्त फील्ड में मौजूद हूँ, और मेरी जो फील्डिंग पोजीशन है वो है स्लिप पोजीशन, और ये आप देख रहे होंगे ये बॉलर आ रहे हैं, और ये बहुत आला शॉट, ज़बरदस्त छक्का यार पहली बॉल में, ज़बरदस्त शॉट भाई जान। सूत्रात बहुत ही गंभीर है हमारे मैच की, 2 ओवर का इख्तिताम हो चुका है और रन आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, रन हैं 45,
जी हाँ 45 बकाया रह गया, 45 या 46 रन और बाकी 4 ओवर अभी भी पड़े, तो मैच हमारे हाथों से निकलता जा रहा है। तो हमारे बॉलर्स को कोशिश करनी होगी कि इसको जल्द से जल्द कवर करें, क्योंकि पहले 2 ओवर हमारे बिल्कुल भी अच्छे नहीं गए। जी हाँ गाइस, इस वक्त मैच के आखिरी लम्हा चल रहे हैं और 24 रन चाहिए जीतने के लिए, और इस वक्त 2 वाइड आ चुकी हैं, मतलब कि 22 रन रह गए हैं, और ये बॉल एक और वाइड इस वक्त, हाँ जी एक बॉल पे 5 रन आ चुके हैं, और मैच को ज़रा सीरियस लेना होगा, बहुत अच्छी बॉलिंग कराने के बाद जाके ये मैच जीतेंगे। जी हाँ भाई, ये और छक्का गाइस, हम दूसरा मैच हार चुके हैं, हालांकि हमने बहुत अच्छा टारगेट दिया था, मगर थोड़ा हमारी फील्डिंग और बॉलिंग की नाकिस कारकर्दगी की वजह से हम ये मैच हार गए। अब हो रहा है हमारा तीसरा और फाइनल डिसाइडर मैच, और देखने के क्या बनता है, और मैं थोड़े थोड़े आपको क्लिप दूंगा, क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो रही है, क्योंकि आपको पता है आईफोन की बैटरी कितनी जल्दी गिरती है। चलें फिर आपको मिलते हैं आगे ब्लॉग में। जी हाँ गाइस, जो हमारा तीसरा मैच था वो हो चुका है कैंसिल, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और जो दूसरी टीम है उन्होंने खेलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो थर्ड मैच है वो हम नेक्स्ट संडे रखेंगे, तो इसका मतलब जो हमारे सीरीज़ का डिसाइडर है वो नेक्स्ट संडे होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे आपको डिसाइडर दिखाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिए। तो अल्लाह हाफिज़।